हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हो मोटो फ्यूल। सॉरी बहुत डिले हो गया है, ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ बाद जो है मेरा वीडियो आ रहा है और कोविड की वजह से डिले हो गया था, लेकिन अब मैं फुल रिकवर हो गया हूं तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन हुंडई की अल्काज़ार जो कि जस्ट अनवील किया है हुंडई ने इसका टीज़र। तो मैक्सिमम डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इंजन सेगमेंट कौन सा होगा ये और कौन से आपको जो है ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं, क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं, एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आज आपको पता चलने वाली जो कि है 100% ऑफिशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हुंडई किस चीज़ों की जो है ब्रांडिंग कर रहा है अभी। तो इसमें देखिए आपको 6 और 7 सीटर SUV नाम से इसको जो है सेल करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 6 और 7 सीटर जो है उसमें ऑप्शंस मिलने वाले जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया था। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो ये ब्रांड कर रहा है, जैसे बोल्ड एक्सटीरियर, कैप्टिवेटिंग इंटीरियर, एथलेटिक परफॉर्मेंस, एडवांस कनेक्टिविटी, कंफर्ट एंड वर्सेटाइल स्पेस एंड रीश्योरिंग सेफ्टी। मतलब आपको जो है इसमें बहुत अच्छी सेफ्टी भी इस बार मिलने वाली है, कंफर्ट और वर्सेटाइल जैसे कि आपको मैं पहले के वीडियो में बता चुका था, बहुत ईजी होगी और बहुत सारे इसमें न्यू चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन इंजन्स। तो गाइस इंजन में देखिए आपको 2 इंजन मिलने वाला है, एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है और 1.5 लीटर का डीजल CIDI इंजन मिलने वाला है। तो 2 लीटर पेट्रोल गाइस इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अभी जो करेंटली क्रेटा में आता है वो बहुत अंडर पावर लगता है साइज़ के हिसाब से। तो फाइनली आपको जो एक बहुत ही अच्छा इंजन मिलने वाला है, तो इसमें आपको जो है 159 PS वाला इंजन मिलेगा और इसकी जो क्लेम्ड जो है फ्यूल इफिशियंसी भी जो है पता चल गई, तो वो है 14.5 KMPL की जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलेगी और 14.2 KMPL की जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी। तो ये बहुत ही तगड़ा जो है मेरे को इसमें लगा कि आपको जो है बेस्ट इंजन जो है अब आपको बेस्ट कार में मिलने वाला है। अब इसके बाद डीजल में देख ले तो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जी हाँ गाइस पुराना इंजन है, और 115 PS का जो आपको पावर मिलेगा और इसकी इफिशियंसी आप लोग जानते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। तो मैनुअल में जो है 20.4 KMPL और ऑटोमेटिक में जो है 18.1 KMPL। तो ये सभी लोगों ने बहुत अच्छा इंजन चलाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इंजन ये भी है। तो दोनों इंजन्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा इस बार और काफ़ी अच्छे तगड़े इंजन्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद अपन देख लेते हैं गाइस इसके की फीचर्स, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप जो है अल्काज़ार को देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फीचर प्रूफ जो है कार होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इन सेगमेंट आपको मिलने वाला है क्या, 20.03 सेंटीमीटर यानी 10.25 इंचेस का आपको जो है मल्टी डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा फुल्ली डिजिटल जो है आपको बड़ी कार्स में मिलता है, सिमिलरली अब आपको जो है इसमें अल्काज़ार मिलने वाला है और फुली डिजिटल होगा, मतलब आपको जो इसमें थीम्स मिलेगी, अलग अलग फीचर्स मिलेंगे और मैक्सिमम डिटेल्स जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही मिल जाएगी। तो बहुत ही स्टाइल है, इसमें आपको जो है फर्स्ट इन सेगमेंट ब्लाइंड व्यू मॉनिटर नहीं है, मतलब जो एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है आपका वो इस पर दिख जाएगा और ये भी जो है आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही मिल जाएगा। सेगमेंट वन मोर थिंग है वो है गाइस रियर सीट पे वायरलेस चार्जर। तो देखिए जो इसकी मिडिल रो होगी यानी जो वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आपको मैक्सिमम फीचर्स ये जो है मिडिल रो में कवर करेगी, क्योंकि इनकी जो कार है ये मैक्सिमम जो है मिडिल रो ऑडियंस को जो है टारगेटेड करी गई है। तो इसमें देखिए आपको सेकेंड रो पे वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे तो बहुत ही तगड़ा साउंड करते हैं, ये आपको क्रेटा में भी मिलते थे तो बहुत तगड़ा साउंड करते हैं। 64 कलर्स की आपको जो है एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। तो एम्बिएंट लाइटिंग में जो है गाइस इसमें आपको जो है थोड़े से हाई कंट्रास्ट के एम्बिएंट लाइट मिलेगी, ऐसा हुंडई का कहना है, मतलब जो आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगा इसका थोड़ी सी क्वालिटी हाई होगी, आपको जो है सस्ता फील नहीं होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं बेस्ट इन सेगमेंट सेकेंड रो टिप एंड टंबल कैप्टन एंड स्प्लिट सीट्स। तो ये क्या है गाइस, देखिए ये फुल फोल्ड भी हो जाएगी, स्प्लिट भी हो जाएगी, देन जो है आप उसको आगे करके रियर सीट में भी जा सकते हैं। तो ये इनका कहना है कि बेस्ट इन सेगमेंट है, वो तो कार आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद एक और बहुत ही धमाकेदार चीज़ है गाइस, जो आपको सीट मिलती है रेयर वाली, वहाँ पे आपको जो है ट्रे, कप होल्डर, टैब होल्डर, पैन होल्डर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फ्रंट सीट बैक टेबल जैसा इनका कहना है, तो देखिए आपको बहुत ही कंफर्ट स्पेस मिलने वाला है, जैसे कि मैंने कहा था मिडिल रो इसकी टारगेटेड ऑडियंस है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। उसके बाद एयर प्यूरीफायर, और एयर प्यूरीफायर आजकल बिल्कुल मस्ट हो गया है इस टाइप की कार्स में, तो ऑब्वियसली आपको जो है हुंडई वैसे भी i20 में भी वगैरह देता है, तो इसमें भी आपको जो है एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि इसमें जो है आपको ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर विद AQI डिस्प्ले, मतलब आपको जो है इनबिल्ट डिस्प्ले मिलेगा, आपको ऐसा नहीं है कि बाहर ऐसा रखा हुआ है आप उसको निकाल सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल इनबिल्ट मिलेगा, तो ये काफ़ी कूल और मॉडर्न जो है लुक्स में लग रहा है।
उसके बाद गाइस वॉइस एनेबल्ड स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ। अब इसका मुझे नहीं पता कि कितना जो है स्मार्ट है ये, क्योंकि हमने i20 क्रेटा सभी में जो इनके वॉइस फंक्शन देखे ट्राई करके काफ़ी टाइम लगा देता है, तो अब देखते हैं कैसा आता है। लेकिन उतना स्मूथ जो है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था Hyundai के साथ, लेकिन इस टाइम देख लेते हैं कैसा मिलता है। अब देख लेते हैं गाइस ड्राइव मोड्स मिलेंगे आपको, मतलब आप जो हिल होल्ड वगैरह और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड से सब जो है हाथ से ही कर पाएंगे, और पार्किंग ब्रेक भी जो है आपको बटन सिस्टम मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ जो है बटन प्रेस करना पड़ेगा जैसे आपको जो है दूसरी प्रीमियम कार से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। अब ड्राइव और ट्रैक्शन के जो क्लियरली मोड्स है ये भी आपको जो है मेंशन हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें आपको जो रेन स्पोर्ट्स और ऑफ रोड वाले मोड्स जो है मिलेंगे मिलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एडवांस ब्लू लिंक विथ OTA मैप अपडेट्स। तो अब ये कितना एडवांस है ये देखने के बाद बताएंगे, लेकिन अगर इसको स्मूथ कर दे, थोड़ा फिक्स आउट कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्गेस्ट व्हील बेस प्रोवाइड करती है कार, और जी हाँ गाइस 2760 mm का जो आपको ये व्हील बेस प्रोवाइड करती है। तो आपको पता था व्हील बेस इसका एक्सटेंड हो चुका है, तो जी हाँ गाइस व्हील बेस इसका बढ़ गया है, तो आपको जो है अच्छा कम्फर्ट जो है मिलने वाला है मिडिल रूम में। अब देख लेते हैं गाइस सिटिंग ऑप्शन, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसका मेन पॉइंट होगा कार परचेज करने के लिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले है 6 सीटर ऑप्शन, तो बेसिक 6 सीटर जैसे आपको सिटिंग मिलती है वो मिलेगी। बीच में आपको जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस मिलेगा, हैंडरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर्स मिलेंगे, सामने आपको टेबल मिलेगी, ट्रे मिलेगी, जितनी चीज़ें आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ से लेके एयर प्योरीफायर तक सब कुछ आपको जो है उसमें मिल जाएगा। 7 सीटर ऑप्शन में अगर आपके घर में लोग ज़्यादा है, आपको ज़्यादा स्पेस वाली कार चाहिए, तो आप जो है 7 सीटर को पिक कर सकते हैं, लेकिन जो इसका जो है फ्लोर माउंटेड आर्मरेस्ट है इसमें हट जाएगा। अब इसमें जो है आर्मरेस्ट जो होगा ओपन क्लोज करने वाला होगा, मतलब इसको क्लोज कर देंगे तो ये जो है 3 लोगों के लिए बैठने का स्पेस बन जाएगा। अब एक और ऑप्शन जो इसमें मेंशन किया है फ्लैक्सिबल सीटिंग ऑप्शन, तो फ्लैक्सिबल सीटिंग ऑब्वियसली जो मिडिल रो है वो टोटली फोल्ड हो जाती है, लास्ट रो भी टोटली फोल्ड हो जाती है, तो आप जो है अच्छा खासा स्पेस इसमें बना सकते हैं। तो वही है फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन, ऐसा कुछ मेजर उसमें नहीं है। अब देख लेते गाइस कौन कौन से इसके ऑफिशियल कलर्स हैं। तो ऑफिशियल कलर्स में बात करें तो इसमें देखिए आपको टाइगर ब्राउन, टाइफून सिल्वर, पोलर वाइट, टाइटन ग्रे, आप जो है फ्रंट नेम को भूल जाइए, लास्ट नेम जो मैं कह रहा हूँ बस उसी से आप समझिए, फैंटम ब्लैक यानी ब्लैक है, स्टेरी नाइट जो है इसमें आपको समझाना पड़ेगा, ये हल्का सा जो है ब्लू स्टेंट आपको इसमें मिलता है, इसका नाम स्टेरी नाइट रखा गया। उसके बाद देख लेते हैं ड्यूल टोन ऑप्शन में, तो आपको देखिए 2 कलर्स मिलेंगे ड्यूल टोन ऑप्शन में, पोलर वाइट प्लस फैंटम ब्लैक, यानी जो रूफ है आपकी जो है ब्लैकड आउट मिलेगी, और जो बॉडी कलर होगा वो वाइट होगा यानी पोलर वाइट होगा। और सिमिलरली अगर आप इसमें आप देखते हैं तो टाइटन ग्रे में आपको जो है बॉडी कलर मिलेगा, और फैंटम ब्लैक में जो है आपको रूफ इसमें मिल जाएगी। सो गाइज अब चलते हैं सीधे वेरिएंट्स की ओर, तो कौन से वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, किस किस सीटिंग ऑप्शन के साथ आएंगे, कौन सा इंजन किस में मिलेगा, तो सब कुछ अपन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें एक चीज़ अच्छी करी है कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, वैसे आप किया से कंपेयर करें तो जो Hyundai इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं इंजन से लेकर ट्रांसमिशन के। बट दिस टाइम जो इनकी अल्काज़ार है इसको ये बिल्कुल प्रीमियम कार की तरह कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें आप जो देखेंगे सिर्फ 3 वेरियंट्स हैं, प्रेस्टीज, प्लैटिनम, सिग्नेचर। जी हाँ गाइस, प्रेस्टीज में आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, प्लैटिनम में आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, सिग्नेचर में आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। तो देखिए तीनों में आपको जो है ऑप्शनल मिल जाएगा, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 3 वेरिएंट्स हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं सबसे पहले प्रेस्टीज के मैनुअल ट्रांसमिशन को। तो प्रेस्टीज के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जो आपको 6 एंड 7 सीटर सारे इंजन्स ये सब आपको जो है इसमें मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि इसमें आपको जो है सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सारे इंजन अवेलेबल है। अब बात करें प्रेस्टीज ऑप्शनल की, तो ये सिर्फ ऑटोमेटिक आएगा 6 सीटर में, और डीजल में आपको जो है 7 सीटर में मिलेगा। अब प्लैटिनम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर लें तो ये सिर्फ आपको जो है 7 सीटर्स में मिलेगी, और प्लैटिनम ऑप्शनल ऑटोमेटिक की बात कर लें ये सिर्फ आपको जो है 6 सीटर में मिलेगी। अब उसके बाद जो है सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑप्शनल ये सिर्फ आपको जो है 6 सीटर्स में मिलेंगे, मतलब आपको जो है 7 सीटर्स अगर कार लेना है तो आपके पास सिर्फ 2 वेरिएंट है, एक तो प्रेस्टीज का मैनुअल और प्लैटिनम का मैनुअल, तो इन दोनों में आपको जो है 7 सीटर ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज सारे मॉडल्स जो है आपको 6 सीटर प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही तगड़ा जो है इन लोगों ने
आपको जो है फीचर्स प्रोवाइड करेंगे बहुत ही तगड़ा, जो है आपको ग्रिड मिल रही है कि कौन सा ट्रांसमिशन किस में मिल रहा है, मतलब आपको जो है बेस वेरिएंट से ही वो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये बहुत ही तगड़ी बातें गाइस, और सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, मैक्सिमम डिटेल्स मैंने कवर करी है, और कुछ दिन में आपको जो है बहुत ही डिटेल्ड इसका वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।